सबसे पहले तो मिठी और मुक्ता हम ये जानना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली जो सीन हुआ अंदर, क्या समझा रहे हैं आप? मैडम नाराज हैं मिठी से, क्योंकि मैंने इसका प्यार छीन लिया और उसके प्यार से अनजाने शादी कर लिया। बट कहीं ना कहीं उसमें मिठी की कोई गलती है ही नहीं, बिकॉज इसने जो चिट्ठी छोड़ा था मेरे लिए वो चिट्ठी नानी ने छुपा दिया था। एज़ यूजुअल नानी हमेशा जैसे करके आ रही है, और नानी ने बोला ये पेंडेंट मुक्ता ने तुम्हें दिया तो शगुन के तौर पर। मुझे लगा इसने पेंडेंट दिया, मैं बहुत खुश हो गई कि इतना अच्छा शगुन दिया। बाद में जब शादी हो जाती है तब वो पहुँचती है, बिकॉज वो स्टक समय, आकाश वो स्टक समय। जब ये लोग पहुँचते तो तब मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है, और फिर वो घसी को लेके भेज जाती है। शी इज़ लाइक, क्यों शादी की तूने जब तुझे पता था कि मेरा प्यार है, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। और मीठी तो मजबूरी में शादी की, बिकॉज अमी ने सर पे हाथ रख के कसम खाने को बोला था, और उसकी कोई गलती नहीं है। तो सब अपने अपने जगह पे सही है, और बस ड्रामा चल रहा है। अच्छा, वैसे लुक की अगर बात करें तो दोनों ही बहनें काफ़ी प्रिटी लग रही हैं, तो सबसे पहले दुल्हन आप थोड़ा सा अगर अपना लुक डिफाइन करें। लुक डिफाइन करने से पहले जो पेन होता है ये पहनने के लिए, तो वो बहुत पेनफुल हो रहा है, बिकॉज इतना हेवी है। जैसा देख रही है पूरा स्टोन वर्क है, मतलब पूरा लहंगा पूरा स्टोन से भरा हुआ है, बहुत हेवी हो जाता है। तो दुपट्टा भी स्टोन से भरा हुआ है, सिंस एज यूजुअल घूंघट का स्टोरी होता है, तो उसके नीचे दो अस्तर लगा हुआ है ताकि मैंने शक्ल ना देखी, जो ट्रिपल वेट हो गया है दुपट्टे का। एंड इतने भारी भारी ज्वेलरी, तो मैं ऐसा सोच रही थी, मैं थोड़ी देर पहले अन्नी को बता रही थी कि मेरी जब खुद की शादी होगी ना रियल में, मैं हरगिज ये सब नहीं पहनने वाली, एकदम सिंपल सटल रहने वाली हूँ, एकदम थोड़ा सा नीचे बॉर्डर लेस होगा, थोड़ा सा ज्वेलरी, और बस ऐसे ही शादी करूँगी। लेकिन अब इच्छा और मीठी को तो आदत हो जानी चाहिए इतनी सारी शादियाँ की। पाँचवीं शादी है तो। अच्छा मुक्ता, आपकी लुक के बारे में जानना चाहेंगे। ये तो एक साड़ी का आगरा है, और बस उसमें वर्क है, लेकिन उतना हैवी नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ कि इस पेन से ये गुजर रही है। ऊपर से मेरा उतना ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं है, लेकिन इतने में ही एक ईयर रिंग में मेरा कान दुख रहा है। यही बोल रही थी कि तू लकी है, तेरी शादी नहीं हुई अभी सीरियल में। अच्छा हुआ विष्णु, मतलब किसके साथ शादी कर लिया। तो बस सिंपल, उतना सिंपल नहीं है, लेकिन नॉर्मल लुक है। लेकिन फिर भी दोनों बहनों में थोड़ी सी खटास आ गई है, मतलब बहन का रिश्ता भूल के अब किसी और के ही पीछे थोड़ा सा, क्योंकि यू गेट ब्लाइंडेड इन लव। तो आपको लग रहा है कि वो चिट्ठी भी उसी जगह पे पड़ा है, तो कैसे मीठी ने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी है। तो इसीलिए दोनों बहनों के बीच में वो जो भी टकराव आप कह सकते हैं वो आ चुका है, क्योंकि जब आप प्यार में होते हो और उस इंसान से, चाहे आपकी बहन खुद भी शादी क्यों ना कर ले, तो आप अंधी हो जाती हो, फिर सोचते नहीं हो कि आपकी बहन ने क्या क्या किया आपके लिए, और कितनी सच्चाई से वो रिश्ता निभाया। आप फिर सोचते हो कि नहीं, मेरी बहन ही गलत है, वो चिट्ठी उसने पढ़ी है, लेकिन उसको इतना वो था, बदला लेना था आकाश से, तो शायद सब कुछ भूल के उसको शादी करी। जैसा कि कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, एक बार फिर पुरानी हिस्ट्री दोबारा दोहराई जा रही है, वही बहनों की दुश्मनी तपस्या और इच्छा वाली आप दोनों में नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे आप? बिकॉज आई थिंक वो गुस्सा हो जाता है, और इस टाइम पे तो मतलब मुक्ता बहुत जायज़ है, बिकॉज उसको लग रहा है कि चिट्ठी पड़ा है, और मैं तो सच्ची में मुझे अनजान हूँ। और हमेशा ये हो जाता है नानी की वजह से, तपस्या इच्छा के बीच में जो होता था झगड़ा, वो भी नानी की वजह से, और बाद में जब तपस्या को समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी, इच्छा रही नहीं। और अभी मुक्ता और नीची के बीच में जो टकरार आ रही है वो भी नानी की वजह से, बस कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ही दोहराई जा रही है, क्योंकि हाँ उत्तरन इज अ स्टोरी अबाउट दैट टू सिस्टर्स ऑलवेज, लेकिन वहाँ पे इच्छा का प्यार तपस्या ने छीन लिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि मीठी ने जानबूझ के मुक्ता का प्यार छीना है, या ऐसा कुछ प्लान्ड कुछ है। तो इसमें अनजाने में सब कुछ हो जाता है, कुछ एक छोटा सा इन लोगों ने प्लान किया था कि शायद शादी की बात सुन के आकाश घर छोड़ के चला जाएगा, वो प्लान बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुँच जाती है, और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं, और ये सब कुछ हो
जाता है वहाँ पे जानबूझ के. उसको पता था कि इच्छा लव सभी, लेकिन फिर भी उसने प्लीज तो छीना क्योंकि उसको लगा कि मुझे आई एम अट्रैक्टेड टू हर. टीचर तो आपको डिसाइड करना है कौन किसकी टीचर बन जाए. कौन कौन ज़्यादा यहाँ पे सिखाता है आपकी दोनों भी नहीं, मतलब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. अगर सीन की बात की जाए मुझे अगर कहीं पे लगता है कि मुझे अगर इस तरह से बोलेगी इस तरह से करेगी तो अच्छा रहेगा, और इसको अगर लगता है कि नहीं टीना तो डायलॉग ऐसे बोलेगी या तो ये मोमेंट लेगी तो मेरे लिए भी वो अच्छा रहेगा तेरे लिए भी अच्छा रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के टीचर बनते हैं तभी. अदरवाइज हम हमारे सेट पर टेक्निक है अगर कोई ज़्यादा बोलने जाए तो हम उसको बोलते हैं हाँ दिखाओ और फिर ऐसे के मारते ये लीजिए इसलिए आपके लिए हम लेके भी आए हैं. लेकिन हम लोग वो इनविजिबल वाले गेंद से मारते हैं, ऐसे वाले गेंद से नहीं मारते. रिएक्शन लेते हैं वाला, मतलब अगर मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तो अभी मैडम डांटने वाली है. हाथ दिखाओ. आउ नहीं, ये हमारे बोलने ज्यादा बोलने का नहीं. अच्छा ये तो इमेजिनेशन, सपोज सच में है ये धंधा और आप में से कोई भी टीचर बन के एक दूसरे को मारना चाहे तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए. सीरियल में चाहे वो खटास आ जाए लेकिन वैसे तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए. अच्छा एक पल के लिए थोड़ा सा वो टीचर की स्ट्रिक्टनेस अगर आप दोनों में से कोई दिखा सके तो वो बचपन के दिन याद करके. बहुत हो गई पाई पाई, नाउ गो एंड गिव योर शॉट. चाय पियो जल्दी से और जाओ शॉट दो. मुझे डिसिप्लिन पसंद है. हाँ अभी करके दिखाओ. अच्छा कह रहा है बचपन में एक्चुअली वो इतना याद आता है स्कूल में कुछ भी बुक भूल गए आप होमवर्क नहीं किया कान पकड़ के खड़े हो जाओ उठक बैठक करो 10 times. और जब 8th का काउंट होता था हर बस दो बाकी है 9 10. उससे भी पेनफुल होता था स्टैंड ऑन वन लेग सीरियसली. या तो हैंड्स अप करके जो टीचर्स पनिशमेंट देते थे ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहो. हम लोग तो बहुत चीटिंग करते थे कभी कभी करते थे टीचर्स हमारे साथ कि अच्छा तुमने ये होमवर्क नहीं किया ये तुमने ये बुक नहीं लाई हो जाओ गेट आउट ऑफ द क्लास और हाथ उठा के खड़े रहो. अब क्लास के बाहर जाके हाथ उठा के खड़े ये नीचे हाथ करके खड़े थोड़ी टीचर देख रही है तो हम नीचे करके आराम से गप्पे लड़ाते थे बैठ के. तो स्कूल के टाइम में कितनी पनिशमेंट्स मिली हैं आप लोग को या कभी ऐसा हुआ किसी को बुली करके आपने उसको पनिशमेंट दिला दी हो. बहुत शैतानी स्कूल में, मतलब मेरा टैगलाइन था आई यूज्ड टू बी द नॉटीएस्ट इन इंडिया बट मैं इतनी शैतानी सच में यूज्ड टू बिलोंग इन तभी वो याद आते स्कूल डेज तो बहुत मजा आता है. और सब लोग बोलते थे तू कितनी शैतान थी, मैं क्लोरोमेट छीनती थी या च्युइंगम या चॉकलेट छीनती थी और बेचारे उसको पनिशमेंट मिल जाता था क्योंकि वो बोलते मैम शॉर्ट ले रहा हूँ. मैं टेबल के नीचे से ऐसे पोक करती थी और बेचारा फंस जाता था क्योंकि मैं उसको पोक कर रही हूँ और उसका ध्यान भटक जाता था. मैं तो ऐसे सीरियस होकर ऐसे ऐसे करती रहती थी. आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है बदमाशी का? हम लोग बहुत ज़्यादा वो करते थे जब कोई भी स्टूडेंट खड़ा होता था टीचर को गुड मॉर्निंग या कुछ भी बोलने के लिए हम लोग उसके बेंच के उधर पेन रख देते थे जो जैसे ही बैठते थे तो ऐसे चिल्लाते थे. फिर हमारे जो लेदर शूज़ होते थे उससे आवाज़ करते थे और टीचर मतलब मेरा ऐसा इमेज था ज़्यादातर टीचर्स के सामने कि मैं तो कर ही नहीं सकती. ऐसे मुँह बना के बैठी रहती थी कि मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ तो बगल वाले के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम जाता था. एंड द नेक्स्ट वन यूज़ टू बी लाइक हाँ मतलब किस लिए मुझे सज़ा मिल गई. मेरे टीचर्स आज भी बोलते हैं मुझसे पूछना बस लास्टली बस विश कर दीजिए. हैप्पी टीचर्स डे. मेरे जो भी टीचर आज देख रहे हैं मेरा शो और अभी मुझे देख रहे हैं न्यूज़ में आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच टीचर. आज मैं जो कुछ भी हूँ सच्ची में आपकी वजह से हूँ. अगर आप मुझे नहीं सिखाते आप मुझे नहीं पढ़ाते तो मैं शायद आज जिस जगह पे हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाती. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच मेरा टीचर बनने के लिए स्पेशली शर्मिष्ठा मिस, माय इंग्लिश टीचर, माय बंगाली टीचर अनुराधा मिस एंड जो मेरे सबसे फेवरेट टीचर्स हैं थैंक यू सो मच एंड फॉर ऑल द लव फॉर एवरीथिंग थैंक यू. मैं भी वही सेम बोलना चाहती हूँ हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स. और जो भी एजुकेशन आप लोगों ने दिया है उस वजह से वो ह्यूमैनिटी मेंटेन करके अभी तक
हम लोग जी रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट्स जहाँ कहीं पे भी है वो लोग सब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज. थैंक यू सो मच. गणपति के लिए हाँ कर लिया. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणपति. बहुत एंजॉय कीजिए गणपति में और बहुत धूम मचाइए. गणपति बप्पा बस थोड़े देर में आपके घर पे आने ही वाले हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.